Assalamu alaikum dear students, I hope you all are fine. As we have done with the reading and explanation of chapter number 5, now what you people have to do is you have to solve the exercise given on page number 88, chapter number 5, My Life at Home. आप लोगों ने ये जो सेंटेंसेस हैं इनको राइट ऑर्डर में नंबरिंग करनी है इनकी. आपने चैप्टर को पढ़ना है. आप थॉरली जब चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि विच सेंटेंस वुड बी फर्स्ट एंड अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस यू हैव टू मेंशन द नंबरिंग फ्रॉम 1 to 9. कौन सा सेंटेंस पहला है, पहला उन्होंने मेंशन कर दिया हुआ है. उसके बाद सेकंड, अकॉर्डिंग टू द चैप्टर का जो सीक्वेंस है पैराग्राफिंग और सेंटेंसिंग का, उसके अकॉर्डिंग सेकंड सेंटेंस क्या होना चाहिए. चैप्टर में फर्स्ट सेंटेंस ये आ रहा है तो सेकंड कौन सा आना चाहिए, ये आपको चैप्टर पढ़ के ही थॉरली रीडिंग करने के बाद फिर अच्छे से पता चलेगा. आपने ये सॉल्व करनी है एक्सरसाइज इधर ही. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 6, अ फुटप्रिंट इन द सैंड, पेज नंबर 41, कैचिंग गोट्स. For several years after this nothing much happened to me. इसके कई सालों बाद तक मेरे साथ कुछ भी ऐसा वाकया पेश नहीं आया जो कि नाकाबिले बयान हो. I continued to live in the same place. मैं उसी सेम जगह पे रहता रहा. In the same way, उसी सेम तरीके से as before, जैसे कि मैं पहले रह रहा था. Every year my chief work was to grow barley. मेरा जो मेन वर्क था, चीफ वर्क, वो था बार्ले उगाना एंड ड्राई ग्रेप्स और अंगूर सुखाना. सो दैट आई ऑलवेज हैड एनफ फॉर 1 year. तो मेरे पास एक साल के लिए अच्छा खासा काम हो जाता था. आई बिकेम मच मोर स्किलफुल एट मेकिंग थिंग्स एंड आफ्टर अ वाइल आई वॉज क्वाइट अ गुड कारपेंटर. मैं बहुत सारी चीज़ों में काबिल होने लगा और बहुत सारी चीज़ें सीखने लगा और कुछ अरसे बाद मैं बहुत अच्छा कारपेंटर लकड़हारा बन चुका था, लकड़ी का काम करने वाला. स्पेशली एज़ आई हैड ओनली अ फ्यू टूल्स, ख़ास तौर पर सिर्फ उन चंद औज़ारों के साथ जो कि मेरे पास उस वक्त अवेलेबल थे. आई लर्नड हाउ टू मेक वेरी गुड क्ले पॉट्स. मुझे ये भी सीखने को मिला कि किस तरह से बहुत अच्छे मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं. स्पेशली आफ्टर आई हैड मैनेज टू मेक अ पॉटर्स व्हील, ख़ास तौर पर जब मैंने एक पॉटर्स व्हील बनाया. विद द व्हील आई मेड मच बेटर पॉट्स एंड मेड देम मोर इजीली. लकड़ी का व्हील जो होता है जिस पे घुमाकर आप लोगों ने किसी पिक्चर या मूवी वगैरह में या एडवर्टाइजमेंट और मे बी न्यूज़ में आपने देखा हो कि किस तरह से आपके मिट्टी के बर्तन जो है तैयार किए जाते हैं, एक सर्कल नीचे घूम रहा होता है और उसके ऊपर वो घूमते घूमते ही हाथ से उस ऊपर के बर्तन को शेप कर दिया जाता है. वो उसने ख़ुद तैयार किया. नाउ द पॉट्स वर राउंड एंड वेल शेप्ड. अब जो बर्तन थे वो सही गोल भी थे और अच्छी शक्ल के थे. इंस्टेड ऑफ अगली थिंग्स आई मेड बिफोर, बजाय उन बुरी बदसूरत चीज़ों के जो कि मैंने पहले बनाई थी. बट वट मेड मी फील मोस्ट प्राउड, क्या चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा फ़खर की लगी. आई हैड एंड ब्रॉट मी द ग्रेटेस्ट जॉय वॉज माई सक्सेस इन मेकिंग अ क्ले टोबैको पाइप, जो कि मेरी कामयाबी थी. मैंने टोबैको पाइप भी क्ले का, मिट्टी का बनाया था. टोबैको पाइप होता है इस तरह से, जो यहाँ पर उसका गोल और यहाँ पर उसका कप्सा होता है इस तरह से. सॉरी, एक हाथ में फ़ोन है तो आई कैन ओनली ड्रॉ दिस फॉर अ लिटल एक्सप्लेनेशन. इस तरह से जो यहाँ पर उसके यहाँ से सक करते हैं और यहाँ पर उसके टबैको और इस तरह का स्टफ़ होता है जो कि इस तरह से यूज़ किया जाता है. दैट प्लीज मी वेरी मच, इससे मुझे बहुत खुशी हुई. फॉर आई हैड ऑलवेज बीन इन द हैबिट ऑफ स्मोकिंग, और मुझे हमेशा से आदत थी स्मोकिंग की. एंड टोबैको प्लांट्स ग्रू ऑन द आइलैंड, और टोबैको प्लांट्स जो हैं आइलैंड पे थे भी, तो मैंने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया. माय बास्केट मेकिंग आल्सो इम्प्रूव्ड, मेरी बास्केट मेकिंग भी काफ़ी इम्प्रूव हो गई. एंड आई मेड अ लार्ज नंबर, और मैंने बहुत ज़्यादा तादाद में बनाई. दे वर नॉट वेरी गुड टू लुक एट, वो बहुत अच्छी नहीं थी देखने में.
but they were very useful for storing things in or for fetching things home. लेकिन वो चीज़ें ले जाने के लिए और लाने के लिए बहुत कारामत थी. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि इफ़ आई किल्ड अ गोट, अगर मैं कोई बकरी का शिकार करता, आई कुड हैंग इट अप इन अ ट्री, मैं उसे दरख्त पर लटका सकता था. स्किन इट, उसकी खाल उतारता. क्लीन इट, साफ़ सफाई करता. कट इट इनटू पीसेस, उसके टुकड़े करता. एंड कैरी द मीट होम इन अ बास्केट, और उस गोश्त को मैं प्रॉपरली बास्केट्स में डाल के ले आता. इफ़ आई कॉट अ टर्टल, अगर मैं कोई टर्टल पकड़ता, आई कुड कट इट अप, मैं उसे भी काटता. टेक आउट द एग्स, और मैं अंडे बाहर निकालता. एंड अ पीस और टू ऑफ द फ्लैश, एक या दो टुकड़े गोश्त के. विच वॉज एनफ फॉर मी, जो कि मेरे लिए काफ़ी था. एंड कैरी एवरी थिंग आई वॉन्टेड होम इन अ बास्केट, और जो बाकी चीज़ बच जाती है जो मुझे चाहिए होती, मैं बास्केट में रख कर घर ले आता. लीविंग द रेस्ट, बाकी छोड़ कर. बिहाइंड, पीछे ही. I also had some large deep baskets. मेरे पास और भी बहुत ज़्यादा बड़ी और deep baskets थी, which I always used to keep my barley in, जो कि मैं हमेशा अपने barley को उसमें डालने के लिए तैयार रखता था कि मैं उसे अच्छे से संभाल सकूँ, क्योंकि barley was the only main feed or crop he was harvesting. Now what you people have to do is, आप लोग पहले तो chapter number 5 के जो नंबरिंग करनी है आप लोगों ने अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस, वो करोगे. बुक पे ही आप लोगों ने सॉल्व करना है. उसके अलावा जो आपको मीनिंग्स प्रोवाइड किए गए हैं, काइंडली उन्हें राइट डाउन कर लें. मीनिंग्स 4 ही हैं. आपके सेंटेंसेस भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, और चैप्टर 5 की एक्सरसाइज के बाद ही हम चैप्टर 6 की एक्सरसाइज शुरू करेंगे. इसीलिए आप लोगों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, और मीनिंग्स 4 ही हैं, इसको लेके भी बिल्कुल परेशान नहीं होना, क्योंकि हम ऑलमोस्ट सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो हैं कर चुके हैं. मीनिंग और सिनोनिम्स दोनों आपके लिए हैं, काइंडली उन दोनों को लिखा करें. दोनों आपकी हेल्प आउट के लिए हैं और वो आपको आने चाहिए. उसके अलावा सेंटेंसेस और क्वेश्चन आंसर्स चैप्टर नंबर 5 के आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे. टिल देन, काइंडली कंप्लीट योर नोटबुक्स, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, रीड योर लेसन, कंप्लीट योर एक्सरसाइजेस. मीट यू इन द नेक्स्ट मीटिंग. अल्लाह हाफिज़.